लास्ट टाइम हमने एक टेबल बनाया था जिसपे वो कर लिया था हमने, इसके न्यूमेरिकल हमने कोई नहीं किया ना, ठीक है, जो सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है वो खोलने की जरूरत नहीं है, वो आपका एज अ होमवर्क ही होगा सारा का सारा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़े से इसके कॉम्पिटिशन में आए क्वेश्चन ही करवाता हूँ सीधा। आप मैं वो क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर बताना है इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थे, टू ट्यूनिंग फोक्स आर साउंडेड टुगेदर, ये आपकी इसमें है नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा इसे आज वेबसाइट पे सारे सॉल्यूशन। आप सब आंसर बताओ क्या होगा। बीट्स का मतलब है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, दो फ्रीक्वेंसीज है न्यू 1 एंड न्यू 2, और अगर मैं उन्हें माइनस करूं तो उसको नंबर ऑफ बीट्स बोलते हैं। सो टू ट्यूनिंग फोक्स आर साउंडेड टुगेदर एंड प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर साउंड या पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ऑफ देम इज 250, अदर इज लोडेड विद लिटिल वैक्स एंड नाउ दे प्रोड्यूस 7 बीट्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर ट्यूनिंग फोक इज 245। ऐसा कैसे 245 में से और डिसाइड कैसे किया 245 ही होगा। देखो तो दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 250 है और जब ये दोनों साउंड करेंगे तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी जनरेट होंगी 5। तो उसे ठीक का जो सेकेंड फोक है या तो उसकी फ्रीक्वेंसी 255 है या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 245 है, ऑब्वियसली 5 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी पता कि कौन बड़ा कौन छोटा। नेक्स्ट है, अब जब मैंने इसके ऊपर वैक्स लगा दिया तो इसने धीरे धीरे मूव करना शुरू कर दिया, जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी उस फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। तो मान लो मैंने इसके ऊपर वैक्स लगाया, आंसर तो एक्चुअल में ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मान लो मैंने इसके ऊपर वैक्स लगाया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 254 होगी, या और वैक्स लगाओ 253 होगी, और वैक्स लगाओ 252 होगी, और वैक्स लगाओ 250 लगाते जाओगे तो एक ऐसा आंसर आएगा 243। सच दैट जब मैं इसका डिफरेंस लूंगा तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी प्रोड्यूस होंगी 7 बीट, डिफरेंस देखो इनका कितना आ रहा है 7, तो आंसर तो इसका मतलब 255 भी हो सकता है। अब मान लो 245 पे जब वैक्स लगेगा तो 244 हो गई फ्रीक्वेंसी, मान लो 243 हो गई। अब देखो इसके और इसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना हो गया फिर से 7। आंसर दोनों है लेकिन आंसर इससे पहले आता है वो मेरा बेस्ट ऑप्शन होगा, जो इतना वैक्स थोड़ा लगाएंगे कि उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो जाए फ्रीक्वेंसी की। तो अगर हम थोड़ा सा वैक्स लगाएं और हमारा आंसर 7 बीट्स, 5 से कितनी बीट जनरेट हो गई 7, तो 245 इज द बेस्ट ऑप्शन। डिफरेंस समझ आ रहा है, ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे फ्रीक्वेंसीज को डिक्रीज करना है। दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों में वैक्स लगाने के बाद आंसर जो है 243 ऑब्टेन किया जा सकते हैं। बीट्स की वैल्यू 7 आएगी दोनों में, लेकिन किससे पहले आएगी वो मेरा बेस्ट ऑप्शन है। तो किससे पहले आ रही है 245 में से, पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है इसमें सपोज ये वो टेबल रेफर कर सकते हो जो मैंने लास्ट टाइम बनाया, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन का पाइप का मतलब क्लोज्ड एट बोथ
अगर पाइप को दोनों एंड से क्लोज ही कर दोगे तो पाइप बचेगी क्या? तो क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब हमेशा क्लोज एट वन एंड, ठीक है? तो वन एंड का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर 50 है, न्यू वन की वैल्यू याद है अगर 50 है तो न्यू टू क्या होता है इसमें 3 टाइम्स न्यू वन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन, अब देखो n इज इक्वल टू 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 का मतलब कौन सा ओवरटोन है? सेकेंड ओवरटोन है। सेकेंड ओवरटोन का मतलब मुझे न्यू 3 निकालना है, न्यू 3 का मतलब 5 टाइम्स न्यू 1, इसका मतलब 5 इंटू 50, इसका मतलब 250। क्लियर है यहां तक? वो टेबल मैंने बताया था सबसे काम की चीज वो टेबल ही है। क्लोज का मतलब क्या होगा? एक पाइप क्लोज मतलब क्या? दोनों एंड्स क्लोज, ऐसा केस ही नहीं होता, ऑब्वियसली एक ही एंड क्लोज होगा ना। नहीं होती है दो एंड क्लोज में, पाइप क्लोज एंड बोथ एंड होती नहीं। क्लोज ऑर्गन पाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट इज 50, नोट ऑफ विच नोट भी सही वर्ड, नोड भी होता है, नोड का मतलब जहां एम्पलीट्यूड जीरो, नोट का मतलब होता है म्यूजिकल इंटरवल, म्यूजिकल इंटरवल का दूसरा नाम नोट। तो द नोट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी एमिटेड बाय इट, ऑड एमिट होती है ना, इवन तो नहीं होती। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 50 है, नेक्स्ट 5 इंटू 50 है, नेक्स्ट 7 इंटू 50 है, तो 100 कहां से आ गया? 100 तो इवन है, 2 इंटू 50 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना? हमने डिस्कस किया था ना, पहले टेबल के अंदर देखा करो ना कि कौन से केस की बात हो रही है, तो उस केस को पहले रेफर करना जरूरी है, ठीक है? यहां तक नेक्स्ट है, देखो सबसे पहली चीज केस कौन सा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। तो मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट ओवरटोन होगा। देखो सबसे पहली चीज n इज इक्वल टू 1 का केस था, फिर n इज इक्वल टू 2 का केस था, n इज इक्वल टू 3 का केस था। पहली फ्रीक्वेंसी न्यू 1 थी, दूसरी 3 न्यू 1 थी, तीसरी 5 न्यू 1 थी, ऐसा था ना टेबल के अंदर? फर्स्ट हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है, मुझे कौन सा हार्मोनिक ढूंढना है? थर्ड। तो मैं ये वाले केस की बात कर रहा हूँ, कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन चल रहा है? n इज इक्वल टू 2, तो कौन सा ओवरटोन चल रहा है? फर्स्ट ओवरटोन चल रहा है आंसर, ठीक है यहां तक? तो ओवरटोन इसमें फर्स्ट हो, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, क्लियर है? नेक्स्ट ऊपर तो क्या 7, 8, 9 100 तक ले जा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन 100 का। इन ओपन ऑर्गन पाइप विच हार्मोनिक्स आर मिसिंग, ओपन का मतलब ओपन एट बोथ एंड, कोई मिसिंग नहीं होता, सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में मिसिंग होते हैं इवन, लेकिन ओपन में सारे प्रेजेंट हैं, तो इसमें क्या है? नन, सारे प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है ना? यहां तक सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं। ये देखो इसका आंसर क्या है, फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस बाय क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज एफ। क्लोज्ड का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वी डिवाइडेड बाय 4 एल, ठीक?
फंडामेंटल नोट मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है फंडामेंटल, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब वी डिवाइडेड बाय टू है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना है डिवाइड, एफ डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ एफ, ये चीज क्लियर है। तो ये फॉर्मूला जो लगेगा वो क्लोज के लिए लगेगा, सॉरी ये फॉर्मूला ओपन के लिए लगेगा, ओपन ऑर्गन पाइप और ये क्लोज ऑर्गन पाइप, इनको डिवाइड कर लो, एफ डैश इज टू टाइम्स, पॉइंट क्लियर है यहां तक ठीक। जब तक तीन केस याद नहीं होंगे ना उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये मैंने टेबल बनाया था कि कल को अगर कंपटीशन में जाते हो तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस टेबल को एक बार देखोगे तब याद आ जाएगा। नेक्स्ट है produced by a closed organ pipe is F. First overtone produced by an open organ pipe will be equal to what? First overtone. पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि first overtone का मतलब क्या है। Closed organ pipe की बात करें, in closed organ pipe सबसे पहले n is equal to 1, n is equal to 2. फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब n इज इक्वल टू 2 ठीक है। यहां तक इसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्या गिवन है, f गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि फर्स्ट ओवरटोन इज अ फ्रीक्वेंसी f, फंडामेंटल f नहीं है, फर्स्ट ओवरटोन की f है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, v डिवाइडेड बाय 4l, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 4l, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 3 टाइम्स फंडामेंटल होने वाली है, ये जो फ्रीक्वेंसी है सेकंड फ्रीक्वेंसी इज 3 इंटू न्यू 1, 3 टाइम फंडामेंटल, तो 3 इंटू वी बाय 4l, यहां से आप v अपॉन l की रेशियो निकाल लो, v बाय l की रेशियो आ रही है 4f डिवाइडेड बाय 3, यहां तक क्लियर है ठीक। और मुझे निकालना है, मुझे क्वेश्चन में निकालना है कि एक ओपन ऑर्गन पाइप लें, ओपन ऑर्गन पाइप में एक n इज इक्वल टू 1 का केस है, एक n इज इक्वल टू 2 का केस है, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब ये आपका फर्स्ट ओवरटोन है ठीक, सेकंड n इज, क्योंकि ये तो नॉर्मल पाइप ओवरटोन तो एक कम चलते हैं काउंटिंग में, ये चीज क्लियर है। तो इसके अंदर ओपन ऑर्गन पाइप में फॉर्मूला v बाय 2l, और जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, 2 इंटू फंडामेंटल, 2 इंटू फंडामेंटल ठीक है ना, यहां तक 2 से 2 हो गया कैंसल, और v बाय l की रेशियो कितनी है 4f बाय, तो आंसर आना चाहिए 4f बाय 3, ऑप्शन है नहीं, नन आंसर है, समझ आ रहा है, डाउट है चार? पहला केस क्लियर है v बाय l तक, ये वाला केस क्लियर है। सेकंड केस में क्या निकालना है, ओपन निकालना है, ओपन ऑर्गन पाइप में सेकंड मोड ऑफ सेकंड फर्स्ट ओवरटोन निकालना है, n इज इक्वल टू 2, ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, पहला v बाय 2l तो दूसरा 2 इंटू v बाय 2l, 2 से 2 कैंसिल, v बाय l की वैल्यू हमारे पास है 4f बाय 3, आंसर आना चाहिए जो कि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं,
सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है, बोथ एंड ओपन है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 256 है. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, बोथ एंड ओपन V डिवाइडेड बाय 2L. तो इसकी वैल्यू कितनी है, 256, ठीक हो गया. अब वो कह रहे हैं कि इस ट्यूब को हमने पानी में डाल दिया 50%. तो जब 50% हमने इसको वाटर में डाल दिया तो एक सिलेंडर की लेंथ कितनी रह गई, L बाय 2, और केस कौन सा कन्वर्ट हो गया, वन एंड क्लोज अदर एंड ओपन. और अगर ऐसा होता है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे केस में, V डिवाइडेड बाय 4L, 4L नहीं 4L बाय 2, जो ये वाला केस है F डैश इज इक्वल टू, वैसे तो फॉर्मूला V बाय 4L होता है लेकिन आपने L नहीं लेना, आपने L बाय, क्योंकि सिलेंडर की लेंथ भी तो हाफ रह गई अगर केस चेंज हो गया, फिर से वही फॉर्मूला आ गया V डिवाइडेड बाय 2L, जो कि आंसर रिमेन्स V बाय 2L का फॉर्मूला तो 256 था. समझ आ रहा है आपको, कोई डाउट इसमें? तो नोट एंटी नोट के क्वेश्चन क्लियर है एकदम, इसी टाइप के आने. क्या दे देगा ज्यादा से ज्यादा, कोई केस ही पूछ लेगा ओवरटोन का, हार्मोनिक का, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है यहां तक. तो लास्ट टॉपिक हम टच करते हैं, हम इसको डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, बहुत फेमस टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट. अगर आपके स्कूल के अंदर नोड एंटी नोड नहीं आएगा तो बीट्स आएंगे, बीट्स नहीं आएगा तो डॉपलर इफेक्ट आएगा. कॉम्पिटिशन के अंदर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको बस डॉपलर इफेक्ट तक आएगा, डॉपलर, नोड एंटी नोड या फिर बीट्स, ठीक. जैसे जो क्वेश्चन अभी किए थे ना हमने, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं दोनों एग्जामिनेशन में. नॉन मेडिकल के अंदर जो कॉम्पिटेटिव आता है वो एक बार मेरा ये जो आज का लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद पूरा जितना कोर्स बचा हुआ है मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करके. तीन चार टॉपिक पड़े हुए हैं, रेजोनेंस ट्यूब मैंने बताया था ना, सोनोमीटर, रेजोनेंस ट्यूब और मेडलीज एक्सपेरिमेंट, इको, रेवर्बरेशन, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, इंटेंसिटी, पावर, प्रेशर वेव्स, 7-8 टॉपिक बोल दिए मैंने एक टॉपिक में, आधा घंटा लगा दिया तो मतलब 3-4 घंटे का काम भी पड़ा हुआ है नॉन मेडिकल वालों के, ठीक है. तो मैं अभी इसके बाद इसको टच करूंगा कॉम्पिटेटिव वाला. तो ये चीज क्लियर है ना यहाँ तक? तो मैं अभी डॉपलर इफेक्ट पे आ जाऊँ ताकि कम से कम आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाए. तो अभी डॉपलर इफेक्ट के अंदर डॉपलर किसे बोलते हैं, तो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली एक इफेक्ट है जो ऑब्जर्व किया था डॉपलर ने. मैं दिखाऊंगा फोटोग्राफ, इसकी फोटो भी डॉपलर की अभी. तो डॉपलर इफेक्ट में क्या था कि एक देयर इज अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी उतनी ही है, एक हॉर्न बज रहा है और हॉर्न ने तो कुछ चेंज नहीं किया ना. अगर एक पुलिस की कार आ रही है, सायरन बज रहा है, तो आपने देखा होगा सायरन की पिच या फिर श्रिलनेस या फिर तीखापन, तीखी हो जाती है आवाज जैसे जैसे वो आती है. जैसे ही वो सायरन दूर जाएगा श्रिलनेस कम हो जाएगी. क्या सायरन ऐसा कर रहे है? नहीं, सायरन ही ऐसा कर रहा. और अगर सायरन रेस्ट पे है, कार रेस्ट पे है, तो आपको एक जैसी आवाज सुनाई देगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर वो मोशन में है या आप मोशन में हो तो आपको आवाज चेंज होके सुनाई देगी. तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब कार चल रही है और चलती चलती कार हॉर्न बजा रही है या सायरन बजा रही है तो ऐसा लगता है, होता भी है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. और फ्रीक्वेंसी का चेंज होना मींस साउंड की श्रिलनेस का चेंज होना, इस अफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट इन साउंड बोलते हैं. और ऐसा ही अफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है लाइट में भी. अगर कोई स्टार अर्थ के पास आ रहा है, लाइट वेव्स आ रही हैं, तो उस केस में वो लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है जैसे जैसे वो स्टार हमारे पास आ रहा है, और जैसे जैसे दूर जा रहे लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. इस अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट. इससे होता क्या है,
वो डिस्कस करते हैं। ठीक, करने से पहले डॉपलर इफेक्ट इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज इन अपरेंट पिच, पिच मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ड्यू टू व्हाट, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड अ लिस्नर। रिलेटिव मोशन, चाहे कार मूव करे चाहे मैं मूव करूं, कोई भी किस तरफ भी मूव करे, क्या होगा उस केस में, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अगर हम दोनों रेस्ट पे रहेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक, तो यानी कि देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड अ लिस्नर, इस इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट। मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जस्ट एक डायग्राम है जिसमें ये शो हो रहा है कि जब एक व्हीकल पास आ रही है एक पुलिस की, तो जो लाइंस टाइट हैं, टाइट का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और ये ओपन है थोड़ी थोड़ी, यानी कि जो ये पीछे पर्सन खड़ा है इसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। ठीक, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या है डॉपलर इफेक्ट। मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा, एक डॉपलर इफेक्ट इन साउंड की वीडियो और एक डॉपलर इफेक्ट इन लाइट की वीडियो। सिस्टम है जो आपकी व्हीकल की स्पीड नोट हो जाती है, दिस इज ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट। मैथमेटिकली आप व्हीकल की स्पीड निकाल सकते हो इस आवाज से जो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है। ठीक, रॉकेट का मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। अब जो मैंने वीडियो इसलिए रोकी है क्योंकि अब जो केस आने वाला है वो एक्सेप्शन ऑफ डॉपलर है। डॉपलर इफेक्ट में अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल करने हैं या हमारे जो कोर्स में चीज है उसमें अगर जो भी सायरन से कार में से ऊपर सायरन लगा हुआ है, जो भी सायरन नहीं लगा हुआ, अगर कार मूव भी कर रही है तो स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन बॉडी की स्पीड। ठीक, बॉडी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ जो आपकी साउंड है वो जितनी भी है वो 332 मीटर पर सेकंड जो भी है। लेकिन अगर आप रॉकेट की बात करते हो तो रॉकेट के अंदर क्या होता है, रॉकेट के अंदर रॉकेट पहले निकल जाएगा और आवाज बाद में आएगी, क्योंकि रॉकेट की स्पीड इज मच मोर ग्रेटर देन साउंड की स्पीड। ठीक, साउंड वेव्स आर बीइंग कंप्रेसिंग अहेड ऑफ इट इनटू ओपन वेव व्हिच विल बी रिलीज्ड एज अ सोनिक बूम। सोनिक बूम के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये वर्ड तब यूज होता है जब व्हीकल की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू
साउंड की स्पीड। अब जैसे स्पेशली रॉकेट के अंदर ऐसा होता है, मैथमेटिकली देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी ऐसी अलग क्यों सुनाई दे। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक पहला केस, पहली अजम्पशन, जितने भी क्वेश्चन मैं आज करूंगा इसमें सोर्स और लिसनर एक ही लाइन में होंगे, जबकि ऐसा इसमें नहीं था। इसमें सुनने वाला यहां खड़ा था, सोर्स आगे से निकल गया। उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी आज का लेक्चर सिर्फ वन डायमेंशन पे, उसमें एंगल लेना होता है वेलोसिटी का, व्हीकल का। तो अभी हम केस सॉल्व करते हैं जिसके अंदर मैं कौन कौन से केसेस मैथमेटिकली सॉल्व करने वाला हूं उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा, एक लिसनर है या ऑब्जर्वर है और एक सोर्स है। एक सोर्स मीन्स जो आवाज जनरेट करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आएगी जहां से। सपोज एक सोर्स और एक सोर्स वहां खड़ा है और लिसनर में। पहला केस है जब सोर्स स्टेशनरी लिसनर के पास आएगा, लिसनर खड़ा हुआ है, सोर्स पास आ रहा है। दूसरा केस है लिसनर खड़ा हुआ है, सोर्स मुझसे दूर जा रहा है। जब पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, जब दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तीसरा केस सोर्स खड़ा हुआ है, लिसनर उसके पास जा रहा है। चौथा केस सोर्स खड़ा हुआ है, लिसनर उससे दूर जा रहा है। पांचवा केस सोर्स लिसनर के पास आ रहा है, लिसनर सोर्स के पास आ रहा है। नेक्स्ट केस सोर्स पीछे जा रहा है, लिसनर उसके ऑपोजिट जा रहा है, पीछे जा रहा है, दोनों ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट केस सोर्स आगे जा रहा है, लिसनर उसके पीछे आ रहा है। और लास्ट केस लिसनर आगे जा रहा है, सोर्स उसके पीछे आ रहा है। ऐसे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो मैथमेटिकली कब कौन से केस में कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ये हम डिस्कस करते हैं। करें स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज, पहला केस क्या लिया हुआ है, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज इन मोशन, सोर्स मोशन में है एंड लिसनर किस पे है, रेस्ट में। पहला केस डिस्कस करें। पहले केस को डिस्कस करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, जो आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ केस है मैं उसे थोड़ा सा अलग करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो। सोर्स आएगा उतनी स्पीड से लिसनर भागेगा, तो फिर सेम कैसे होगा, यानी कि अपने अपनी स्पीड पे डिपेंड करता है। देखो आप साथ इसमें लिख सकते हो, अपने साइड बुकलेट के साथ ही लिखना। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। ठीक, पहला केस है। इसको करने के लिए सपोज ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है। सपोज सोर्स रेस्ट पे, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे, तो क्या हुआ उस केस में,
जो एक ऑसिलेशन, मैं एक ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं बस, एक ऑसिलेशन का मतलब है एक वेव जनरेट होना, तो एक वेव जनरेट हो गई और एक वेव यहां से लेके यहां तक जनरेट हो गई, ठीक, सच दैट इसकी जो वेवलेंथ थी, इसकी जो वेवलेंथ थी वो कितनी थी, लैम्डा नॉट, अभी कोई नहीं मूव कर रहा हमारा, ठीक हो गया यहां तक। मान लो एक मिनट के लिए कि सोर्स मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी एस, सोर्स की वेलोसिटी, और एस की पोजीशन चेंज हो गई एस से लेके एस डैश, ठीक है यहां तक, क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर मींस चलता हुआ व्हीकल साउंड जनरेट करे, कहां खड़ा हुआ व्हीकल साउंड जनरेट कर रहा था जब रेस दे रहे थे, और अब चलता हुआ व्हीकल साउंड जनरेट करे। जितने भी डायग्राम मैंने दिखाए उसमें एक चीज नोट की, वेव पास आ गई थी अगर चलता हुआ व्हीकल पास करेगा, ठीक। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वेव्स में है क्या, एक साउंड वेव है ना, साउंड वेव का मतलब कंप्रेशन एंड डिफ्लेक्शन, और क्रेस्ट एंड ट्रफ तो नहीं, हाँ वो सिंपलिसिटी के लिए मैं बना सकता हूँ इसको क्रेस्ट एंड ट्रफ, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है, साउंड इज अ प्रेशर वेव या साउंड कंप्रेशन और एक्सपेंशन की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। अब जो नॉर्मल कंप्रेशन एक्सपेंशन होने चाहिए वो तो तब होते अगर सोर्स रेस्ट पे होता, सोर्स चल रहे और साथ ही साथ कंप्रेशन एक्सपेंशन जनरेट कर रहे, तो जितना उसको जितनी वेवलेंथ होनी चाहिए थी एक वेव की उतनी नहीं होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लो ऐसे होगी एस डैश से जो वेव जनरेट हो रही है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एंड सो ऑन, पर हमने सिर्फ ये कंपेयर करना है क्योंकि इसका मतलब है वन ऑसिलेशन, इसका मतलब वन ऑसिलेशन। इमेजिन करो एक मिनट के लिए एक रोप है मेरे हाथ में, जस्ट इमेजिन करो मैं खड़ा खड़ा वेव जनरेट कर रहा हूं, मैं ऑसिलेटर हूं, मैं सोर्स हूं। देखो वेव को जनरेट करने के लिए एक सोर्स चाहिए, सोर्स चल नहीं रहा, एक वेव जनरेट हो गई, और सोचो मैं बहुत तेज चल रहा हूं और चलते चलते मैंने हाथ हिला दिया तो वेव थोड़ी सी क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। इमेजिन करो जो वेव है पहले खुली है, वेवलेंथ ज्यादा है, और मैं चलते चलते वेव जनरेट करूंगा तो क्या होगा, उसका इफेक्ट देखा जाएगा वेवलेंथ में, कैसे, क्योंकि मेरे हाथ में जो सोर्स है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और कितना अफेक्ट हो गया इसको देखते हैं। एक चीज नोट करो, अगर अफेक्ट की बात करते हो, इधर देखना ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सोर्स की जो स्पीड है और इनटू क्या करेंगे टाइम, एस इज इक्वल टू वी टी, सोर्स का, सोर्स ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया कितनी देर में, एक टाइम पीरियड में, एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का मतलब एक टाइम पीरियड, मतलब आप ये भूल जाओ आगे क्या होने वाला है, सब छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, एक ऑसिलेशन की बात करते हैं। तो एक ऑसिलेशन में ये जो सोर्स है उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वी इंटू टी, और टी कितना लें, टी लेना पड़ेगा मेरे को इंटू टाइम पीरियड कैपिटल टी, और किसका टाइम पीरियड, एक वेव का टाइम पीरियड, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस कब हो रहा है, जितने में एक वेव जनरेट हो रही है और जितने में वेव जनरेट हो रही है उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है, और कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो वन अपॉन न्यू नोट, न्यू नोट का मतलब है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो वेव की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नोट है, तो वेव का टाइम पीरियड कितना है, वन अपॉन न्यू नोट है, और उतने ही टाइम पीरियड में सोर्स ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वी इंटू टी कर लिया, वी इंटू कैपिटल टी नोट, और वी इंटू टी, टी को लिख सकते हैं वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो क्या आ गया, वी एस इंटू वन अपॉन न्यू नोट, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया किसने, सोर्स ने। अब इससे क्या हुआ, ऐसा करने से जो एपरेंट जितनी वेवलेंथ आनी चाहिए थी उतनी आई नहीं, क्योंकि सोर्स के चलने से वेवलेंथ थोड़ी कम हो गई, कितनी कम हो गई, पहले कितनी थी, लैम्डा नॉट थी, अब कितनी कम हो गई, माइनस वी एस डिवाइडेड बाय न्यू नॉट कम हो गई, कितनी कम हो गई, यानी कि अब इतनी एक्चुअल वेवलेंथ साउंड जनरेट कर रही है, कब, जब सोर्स इज इन मोशन, जब सोर्स मोशन में है तो इतनी वेवलेंथ जनरेट करेगा वो सोर्स, और अगर सोर्स मोशन में नहीं है, मैं इसको जीरो पुट कर देता हूं, तो मेरी वेवलेंथ वापस से कितनी आ जाएगी, लैम्डा नॉट ही आ जाएगी, ये चीज क्लियर है, वेवलेंथ वापस लैम्डा नॉट आ जाएगी। अब क्या हुआ, इसके अंदर
वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर वी है, आप अगर साउंड से साउंड के परस्पेक्टिव में काम करो, सोर्स को छोड़ो, लिसनर को छोड़ो, उनको क्या लगा उनको सब छोड़ दो, एक्चुअल जो वेलोसिटी साउंड की वी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी साउंड की न्यू नॉट है, और एक्चुअल वेवलेंथ कितनी है लैम्डा नॉट है, एक्चुअली में तो यही फॉर्मूला तो फॉलो होना ही होना है। हाँ, वो सुनने वाले को क्या लगा वो अलग बात है, सुनने वाले को तो अपरेंट चेंज लग रहा है ना, पर विद रिस्पेक्ट टू साउंड कोई चीज चेंज थोड़ी ना हो रही है। साइरन से पूछो या साउंड से पूछो कि वेलोसिटी कितनी है, साउंड गोले की वेलोसिटी भी है, वेवलेंथ कितनी है लैम्डा नॉट है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो भी न्यू नॉट है, बट एक्चुअल में वी इज न्यू लैम्डा नॉट, और न्यू नॉट तो था ही था, लैम्डा नॉट की वैल्यू वी डिवाइडेड बाय न्यू नॉट वेयर वी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो मैं लैम्डा अपरेंट की वैल्यू निकालने वाला हूं, लैम्डा नॉट की जगह वी डिवाइडेड बाय न्यू नॉट माइनस वी एस डिवाइडेड बाय न्यू नॉट, मैंने वैल्यू पुट कर ली। और ये जो अफेक्ट है, वैसे तो फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर था, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती, सोर्स अगर मोशन में ना होता, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या फॉर्मूला बचता, v इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू लैम्डा नॉट, ऑब्वियसली फिर ये लैम्डा नॉट ही हो जाता, पर क्योंकि ये मोशन में है इसलिए लैम्डा की जगह लैम्डा अपरेंट आ जाएगा, और लैम्डा ऑफ अपरेंट की अगर आप वैल्यू निकालो, लैम्डा ऑफ अपरेंट की वैल्यू निकालो, तो लैम्डा ऑफ अपरेंट विल बी इक्वल टू वी माइनस वी वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन न्यू नॉट। और अगर आप ऑब्जर्वर की बात करो, ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, ऑब्जर्वर को न्यू डैश फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, और ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली वी इज न्यू लैम्डा, न्यू डैश इज वी डिवाइडेड बाय लैम्डा अपरेंट। अब देखो ऑब्जर्वर क्या सुन रहे, साउंड सुन रहे, साउंड की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, उसको इसलिए अलग सुन रहे क्योंकि व्हीकल मोशन में था, व्हीकल मोशन में आने की वजह से लैम्डा व्हीकल ने चेंज कर दिया, और कितना चेंज कर दिया लैम्डा अपरेंट कर दिया, तो सुनने वाले को भी फ्रीक्वेंसी जो है न्यू नॉट नहीं सुनाई देगी, कितनी सुनाई देगी न्यू डैश सुनाई देगी, कितनी सुनाई देगी वी डिवाइडेड बाय इस लैम्डा अपरेंट को उठा के यहां पर पुट कर देना आपने, वी माइनस वी एस डिवाइडेड बाय न्यू नॉट, या फिर न्यू डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट, इतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी सुनने वाले को, कब, जब सोर्स किस में होगा, मोशन में होगा। मान लो एक मिनट के लिए सोर्स मूव नहीं कर रहा, डीएस को आपने उठा के क्या पुट कर देना है, जीरो, अगर सोर्स मूव नहीं कर रहा तो ये जीरो, और अगर ये जीरो तो वी और वी कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा, न्यू नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो अगर व्हीकल खड़ा है फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट सुनाई देगी, अगर व्हीकल चल पड़ा तो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश सुनाई देगी, विच विल बी इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। और मैथमेटिकली अगर आप देखो, न्यू डैश अपॉन न्यू इज वी अपॉन वी माइनस वी एस, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन वन, न्यू डैश इज ग्रेटर देन, उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सुनाई देगी, क्योंकि व्हीकल ऑब्जर्वर के पास मूव कर रहा है। ये चीज क्लियर है? और अगर आप पीएस को जीरो पुट करोगे आपका आंसर एज इट इज वापस आ जाएगा।
फर्स्ट केस में जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो v, v का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड, v माइनस vs का मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और न्यू नॉट का मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब अगर जो सोर्स है वो पीछे जा रहा है ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर किस पे है, रेस्ट पे, तो अब आपने कुछ नहीं करना है इसमें, हाँ आपने v अपॉन v माइनस माइनस वी एस कर देना, डायरेक्शन चेंज हो गई इंटू न्यू नॉट, तो न्यू डैश इज v अपॉन v प्लस वी एस इंटू न्यू, तो ऑब्वियसली न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो न्यू डैश इज लेस देन न्यू नॉट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को इसमें? समझ आ रहा है यहां तक? तो फ्रीक्वेंसी कम्स में, और अगर सेम डायग्राम बनाना है वो जो भी बनाया था मैंने स्ट्रिंग वाला, अब एक वेव जनरेट की, अगर मैं दूर जाते थे वेव जनरेट करूंगा तो लैम्डा जाएगा, लैम्डा बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सेम डायग्राम है बस उसमें मैंने लैम्डा को छोटा कर दिखाया, इसमें लैम्डा को बड़ा कर। ठीक, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट जो केस है, दो केस हो गए, तीसरा केस सुनो। तीसरा केस है व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी, ये तो हो गया। नेक्स्ट केस है सपोज सोर्स इज एट रेस्ट, व्हीकल नहीं चलेगा, सायरन बज रहा है, चलेगा नहीं, लेकिन जो ऑब्जर्वर है लेट्स से वो मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू नॉट सोर्स के पास, अब उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, कितनी वो मुझे निकाल। करें स्टार्ट। इसके लिए सिर्फ एक चीज बताओ मुझे, सायरन बज रहा है और मैं खड़ा हूं, दोनों स्टेशनरी है, मेरे हाथ में एक टाइमर है, एक मैं टाइम नोट कर सकता हूं, और मुझे साउंड सुनाई दे रही है। एक सेकंड में किसी ने पूछा सर आपको कितनी वेव्स एज्यूम कर रहे हो या कितनी वेव्स सुनाई दे रही हैं आपको साउंड की जो आपके इयर्स में से क्रॉस कर रही हैं, तो मैंने कहा 50। इसका मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट को, एक वेव है, दूसरी वेव है, एंड सो ऑन। ठीक है ना यहां तक? तो ऐसी कितनी वेव्स क्रॉस करेंगी एक पॉइंट को एक सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैं खड़ा हूं, ऐसी 50 वेव एक सेकंड में क्रॉस कर गई, 50। अब सोचो मैं उस सोर्स की तरफ भागना स्टार्ट कर देता हूं, तो नंबर ऑफ वेव्स अब एक पॉइंट में से ज्यादा पास करेंगी। ठीक है ना यहां तक? नंबर ऑफ वेव ऑब्वियसली ज्यादा, क्योंकि आप वेव की डायरेक्शन के ऑपोजिट भाग रहे हो, तो अब ज्यादा क्रॉस करनी शुरू हो जाएंगी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी तेज भाग रहे हो। यू नॉट की स्पीड जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, नंबर ऑफ वेव उतनी ही क्रॉस करेंगी। समझ आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक बोल रहा हूं ना यहां तक? Imagine करो ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये एक वेव है, ये भी एक वेव है, ये भी एक वेव है, और ये चल रहे हैं मेरी तरफ आ रहे हैं, यहां से क्रॉस कर रहे हैं, एक सेकंड में 10 स्टूडेंट क्रॉस करते हैं, और सोचो 10 स्टूडेंट तो क्रॉस कर ही रहे हैं, मैंने चलना शुरू कर दिया, अब मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है एंड तक है, तो अब 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स मैं क्रॉस करवा दूंगा क्योंकि मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक हो गया यहां तक? अब डिपेंड करेगा मैं कितनी तेज भागता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुझे फ्रीक्वेंसी अब सुनाई देगी वो न्यू तो होगी होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल थी न्यू या न्यू नॉट जो भी थी, चलो इसमें न्यू लिया इसने, वो तो होगी होगी, प्लस मेरी स्पीड कितनी है यू नॉट, और एक वेव की लेंथ कितनी है लैम्डा, लैम्डा या लैम्डा, चलो लैम्डा, तो ऑब्वियसली मुझे पता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ये एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी, रादर ऐसा बोलना चाहिए ये एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी मेरी मोशन की वजह से, क्योंकि मैं मूव कर रहा हूं विद द वेलोसिटी ऑफ यू नॉट, तो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट करवा रहा हूं, यू नॉट डिवाइडेड बाय वेव की वेवलेंथ, कितना डिस्टेंस वेव का है उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी आ गई। और अगर यू नॉट रेस्ट पे है, मैं मूव नहीं कर रहा, तो मेरे पास से कितनी वेव क्रॉस करेगी न्यू, आंसर वापस से न्यू आ जाएगा।
और मुझे पता है साउंड के लिए v इज न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, v डिवाइडेड बाय न्यू, v का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो मेरे को इसको रीअरेंज करो, न्यू को ऊपर ले जाओ, मेरे को न्यू डैश इतना सुनाई देगा, न्यू कॉमन निकाल लो, आंसर। अगर मैं मूव करता हूं विद द वेलोसिटी ऑफ u नॉट और सोर्स रेस्ट पे, तो मेरे को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, आंसर v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, u नॉट मेरी वेलोसिटी, न्यू इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहां तक, समझ आ रही है फॉर्मूला कब लगेगा? और अगर सोर्स रेस्ट पे और मैं उस सोर्स से ऑपोजिट भाग रहा हूं तो कुछ भी नहीं करना आपने, उस केस में v प्लस u नॉट की जगह माइनस, आंसर। तो अगर मैं पास जा रहा हूं तो v प्लस u नॉट, अगर मैं दूर जा रहा हूं तो v माइनस, कोई डाउट है इसमें? चार केस हो गए, नेक्स्ट केस देखो। नेक्स्ट केस है व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर आर इन मोशन एंड आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो ध्यान से देखना इसको कैसे करना है, ये बड़ा आसान केस है, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं सिर्फ बोलूंगा इसका जो बनाने जा रहा हूं। मान लो सोर्स मोशन में है विद द वेलोसिटी ऑफ यूएस, ट्रेन चल रही है और यूएस वेलोसिटी के साथ, ऑब्जर्वर मान लो रेस्ट पे, ठीक है? था मैंने पहला केस यही सॉल्व किया था कि अगर सोर्स जो है मेरे पास आ रहा है तो मेरे को फ्रीक्वेंसी कितनी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी साउंड की कितनी है न्यू है, तो मेरे को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी न्यू डैश, विच विल बी इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस यू एस इंटू, ठीक है ना, इतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है मेरे को तब जब सोर्स मेरे पास आ रहा है, समझ आ रहा है? ये पहला केस है, जब सोर्स मेरे पास आएगा तो चेक कर लो, पहला फॉर्मूला यही था, और मेरे को फ्रीक्वेंसी न्यू की बजाय कितनी सुनाई देगी न्यू डैश। अब सोचो इसको आने दो, और मेरे को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है न्यू डैश। अब अगर मैंने भी चलना शुरू कर दिया, बड़ा सिंपल केस है कि सपोज मेरे को फ्रीक्वेंसी न्यू डैश सुनाई दे रही है, सपोज मेरे को फ्रीक्वेंसी न्यू डैश सुनाई दे रही है और मैंने चलना शुरू कर दिया विद अ वेलोसिटी ऑफ यू नॉट, उस केस में मेरे को फ्रीक्वेंसी अब न्यू डबल डैश सुनाई देगी, न्यू डैश सुनाई नहीं देगी, न्यू डैश से भी ज्यादा, पहले एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू थी, सोर्स चला तो फ्रीक्वेंसी मेरे को न्यू डैश सुनाई दी, मैंने भी चलना स्टार्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी न्यू डैश से न्यू डबल डैश सुनाई दी, और न्यू डबल डैश विल बी इक्वल टू वी प्लस मेरी स्पीड यू नॉट डिवाइडेड बाय वी इंटू न्यू डैश। अभी भी फॉर्मूला किया हमने कि अगर ऑब्जर्वर चलता है सोर्स के पास तो उसको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें याद रहे एक चीज, न्यू डैश की फ्रीक्वेंसी किसमें कन्वर्ट हो रही है, न्यू डबल डैश। दो पार्ट से सॉल्व किया क्वेश्चन, पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट केस में मैंने ट्रेन सोर्स को चलाया, खुद रेस्ट पे रहा, फ्रीक्वेंसी न्यू से न्यू डैश हो गई, फिर मैं खुद चला, फ्रीक्वेंसी न्यू डैश से न्यू डबल डैश हो गई। क्लियर है दो इक्वेशंस? केस मैंने बताया फ्रीक्वेंसी न्यू से कितनी हो गई न्यू डैश, दूसरा केस न्यू डैश से कितनी हो गई न्यू डबल डैश, इस न्यू डैश की वैल्यू को उठाओ और यहां पुट कर दो, इस न्यू डैश को उठाना है पूरी की पूरी वैल्यू और यहां पुट कर दो, आपके पास आंसर। जिसको कुछ नहीं समझ आता ना और कॉम्पिटिशन में बैठना चाहता है तो ये फॉर्मूला याद, उसका कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता, दिखाता हूं कैसे। ये केस, ये जो केस है इसको ना डॉपलर फॉर्मूला बोलते हैं,
फेमस फॉर्मूला है। कई लोग स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं, अगर कोई डॉपलर इफेक्ट समझाता है, कई लोग उतना डिटेल में नहीं जाते, बताते हैं ये डॉपलर फॉर्मूला है। डॉपलर फॉर्मूले में ये बताया गया है कि अगर सपोज करो, मैंने बताया मैं सोर्स हूँ, आप ऑब्जर्वर, मैं वीएस के साथ मूव करता हूँ या यूएस के साथ, आपको फ्रीक्वेंसी न्यू की न्यू डैश सुनाई देती है, फॉर्मूला नंबर वन। फिर अगर आप भी मेरी तरफ मूव करते हो, आपको फ्रीक्वेंसी न्यू डैश से भी ज्यादा सुनाई देती है, न्यू डबल डैश, फॉर्मूला नंबर टू। न्यू डैश की वैल्यू वन से उठा के टू में पुट करती है, थर्ड फॉर्मूला, ठीक हो गया। इसको डॉपलर फॉर्मूला बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली ये केस है, अगर यूएस और यू नॉट एक दूसरे के ऑपोजिट है तो ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, मान लो यूएस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और यू नॉट ने भी कर ली, ऑपोजिट कर ली, तो मैं इस फॉर्मूले में इसको भी नेगेटिव पुट कर दूंगा, इसको भी नेगेटिव, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा वी माइनस यू नॉट वी प्लस यूएस इनटू यू, ठीक है ना यहां तक बिल्कुल क्लियर है। मैंने डायरेक्शन को क्या कर दिया, एकदम ऑपोजिट कर दिया, पहला केस क्लियर है। दूसरा केस, मैं इसलिए इस फॉर्मूले को कह रहा हूं, बहुत अच्छे से याद करो, क्योंकि इससे एक जो अभी तक हमने स्टडी किया ना, जब से मैं डॉपलर इफेक्ट पढ़ा रहा हूं, वो सारा का सारा इससे प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, एज्यूम करो कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, यू नॉट इज इक्वल टू, और सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहे, इस फॉर्मूले में यू नॉट को जीरो पुट कर दो। देखो पहला फॉर्मूला बन गया, वी अपॉन वी माइनस यूएस अपॉन इंटू यू नॉट, पहला केस बन गया, ठीक है ना यहां तक। और अगर सोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये माइनस यूएस की जगह प्लस यूएस हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देख लो, सपोज एक मिनट के लिए सेम केस है, यूएस और यू नॉट के साथ पास एक दूसरे के पास आ रही है, मान लो सोर्स चल नहीं रहा और ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में यूएस को क्या पुट कर देना है, जीरो। सेम फॉर्मूला है ना, ऊपर सारे स्पेशल केस कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, तो ये सबसे सही फॉर्मूला है। जब कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो बस यही फॉर्मूला याद करके जाते हैं, बाकी सारे केस बन जाए। कोई डाउट इस, क्योंकि जब विंड चल रही है मान लो और डॉपलर इफेक्ट आपको करना है, बाइक चल रहा था बहुत तेज, विंड की स्पीड से बाइक की स्पीड को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, सुनने वाला खड़ा है उसको भी विंड हिला नहीं सकती, उसकी भी स्पीड विंड से अफेक्ट नहीं होती, कौन अफेक्ट होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड अफेक्ट होता है। तो जितने भी फॉर्मूलाज आपने किए, मान लो आपने ये पहला फॉर्मूला किया था ना, ये पहला फॉर्मूला था जब सोर्स मूव कर रहा था और ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, तो ये फॉर्मूला था। मान लो अगर विंड चल रही है और विंड कैसे चल रही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऐसे है, विंड भी इसके साथ चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी, वी नहीं रहेगी, वी से वी प्लस डब्ल्यू हो जाएगी, क्योंकि साउंड को फायदा हो जाएगा इस केस में। तो जो आपने ये फॉर्मूला किया था न्यू डैश का, जहां जहां वी है वहां वहां वी प्लस डब्ल्यू कर देना, और आपने कुछ भी नहीं, और अगर विंड ऑपोजिट मूव कर रही है डायरेक्शन को, अगर मैं ऑपोजिट कर दूं तो ऑब्वियसली यहां पर वी प्लस डब्ल्यू की जगह वी माइनस और कुछ नहीं, ये चीज क्लियर है। और अगर विंड और साउंड किसी 30 डिग्री एंगल पे है, तो फिर आपको वी और डब्ल्यू का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू वी इंटू डब्ल्यू इंटू कॉस ऑफ 30, जो भी एंगल गिवन होगा, जो भी आंसर आएगा बस वो यहां उठा के पुट। तो इसलिए जिनको वेक्टर्स आते हैं उनको ये याद करने की जरूरत नहीं है, विंड चल रही है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वो पहले निकालेंगे कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, फिर अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वैसे कम आता है विंड के ऊपर, मैंने कभी देखा नहीं। डॉपलर इफेक्ट के बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं,
प्रिंट वाला क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, क्लियर है, लेकिन कि क्या करना है ऐसे केस में, कोई डाउट इसमें? तो ये आपका डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। अब करते हैं लास्ट, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। लाइट वाला तो 2 मिनट का काम है, ज्यादा लंबा काम नहीं। लाइट के केस में देखो मैंने क्या करना है। सपोज पहले एक चीज को सुन लो, लाइट के केस में अगर हम अर्थ पे हैं, अर्थ मूव कर रही है यूनिवर्स में, और सपोज मेरे को एक स्टार दिख रहा है, जो स्टार मेरे पास आ रहा है, एक्चुअल में तो दोनों मोशन में है, रिलेटिव वेलोसिटी मैटर करती है, पर डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में नॉर्मली अज्यूम किया जाता है कि अर्थ के ऊपर हम खड़े हुए हैं और स्टार हमारे पास आ रहे हैं तो हम रेस्ट पे हैं, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसा तो कोई चीज स्टेशनरी है ही नहीं। तो सपोज डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में स्टार मेरे पास आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो ये वी वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं है, वेलोसिटी ऑफ स्टार है, और सी का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, और न्यू का मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और अगर स्टार मेरे पास आ रहा है तो मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी दिखाई देगी, न्यू डैश इज 1+V/c इनटू न्यू। ठीक, सीधा फॉर्मूला लिख दिया कि वो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वेव्स जो मैं देख पाऊंगा, वो जैसे वो ऑब्जर्वर पास आ रहा था ना हमारे, तो न्यू फ्रीक्वेंसी तो लाइट की आ ही रही है एक स्टार से, और अगर मैं स्टार मेरे पास भी आना शुरू कर दे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वेव्स जो मैं देख पाऊंगा जो इसके इक्वल होगा। न्यू डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला कब लगेगा, जब स्टार हमारे पास आ रहा है, वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ स्टार। अब सपोज स्टार अगर दूर जा रहा है तो प्लस वी की जगह माइनस वी, इन दोनों को कंबाइन कर लें तो न्यू डैश इज 1+-V/c इनटू न्यू। ठीक, दोनों में से कोई भी केस लग सकता है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है इधर देखो, डॉपलर शिफ्ट क्या होती है। डॉपलर शिफ्ट का मतलब होता है एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी है, कि फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज हो रही है, वेवलेंथ कितनी चेंज हो रही है जब स्टार हमारे पास आ रहा है या दूर जा रहा है, ये मेरे को डिस्कस करना है। तो इसके अंदर एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मुझे देखना है। एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज क्यों हो रही है, बिकॉज स्टार हमारे पास आ रहा है या स्टार हमसे दूर जा रहा है, कितनी चेंज हो रही है। चेंज फ्रीक्वेंसी पहले न्यू थी, अब न्यू डैश हो गई, चेंज का मतलब न्यू डैश माइनस न्यू। तो देखो डॉपलर शिफ्ट का मतलब है, अभी मैंने फॉर्मूला निकाला था, न्यू डैश इज न्यू 1+-V/c, ये फॉर्मूला था, न्यू को चलो आगे लगा लिया पीछे लगा लो कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला था ना। अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस V/c इंटू न्यू। ठीक है यहां तक, ऊपर कर लिया, न्यू को इधर ले गए, न्यू डैश माइनस न्यू, ये वैल्यू आ गई, न्यू डैश माइनस न्यू इज डेल्टा न्यू चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दिस इज डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, डेल्टा न्यू जिसकी क्या वैल्यू आ गई, +-V/c इनटू, पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। ये फॉर्मूला अभी मैंने लिख के दिखाया, न्यू को मल्टीप्लाई कर लिया दोनों के साथ तो ये वैल्यू आ गई, इसको यहाँ ले गया ये बन गया, जब ये बन गया इसको डेल्टा न्यू लिख लिया, डेल्टा न्यू आ गया, इसको यहीं रोक के रखो। लाइट के लिए सी इज इक्वल टू न्यू टाइम्स लैम्डा, लाइट के लिए सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी कॉन्स्टेंट इज 0, एक बार न्यू कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लैम्डा इज डी लैम्डा या डेल्टा लैम्डा एक ही बात है, एक बार लैम्डा बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू इज डेल्टा, मुझे मालूम नहीं क्या गलती है, एक्चुअली लिखा हुआ हो सकता है करेक्शन कर दी हो मैंने, हो सकता है चेक कर लो एक बार बुकलेट, करेक्शन है भी लिखा हुआ है न्यू की जगह, क्लियर है यहां तक। यहां से काम करो, यहां से डेल्टा न्यू एक तरफ रखो, तो डेल्टा न्यू की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इंटू डेल्टा न्यू, इसको इस तरफ ले जाओ, माइनस न्यू इंटू डेल्टा लैम्डा, या फिर डेल्टा न्यू इज इक्वल टू माइनस न्यू इज इक्वल टू माइनस न्यू डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय, ये भी डेल्टा न्यू आ गया, ये भी डेल्टा न्यू आ गया, इन दोनों को इक्वेट करो, एक ही बात है।
तो जब मैंने इनको इक्वेट किया इकट्ठे, ये रहा, तो माइनस से ये कैंसिल होगा, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज इट कैन बी आइदर प्लस, दिस कैन बी आइदर नेगेटिव डेल्टा लैम्डा। ये फॉर्मूला ना कई बार काम आ जाता है न्यूमेरिकल्स में, ऑब्जेक्टिव में ना ये फॉर्मूला यूज होता है, डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला, वी जो जो भी स्टार की स्पीड है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू लैम्डा। यहां तक क्लियर है? ठीक, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा मैं करके दिखाऊंगा आपको, बट ये फॉर्मूला क्लियर है कहां से आया। आगे सपोज फ्रीक्वेंसी न्यू थी किसी भी लाइट की, 10 थी मान लो, स्टार मेरे पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई मान लो 12 हो गई, और अगर मैं डेल्टा न्यू कैलकुलेट करूं तो डेल्टा न्यू क्या आएगा, 12 माइनस 10 प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है यहां तक। और ऐसा तब होगा जब स्टार हमारे पास आएगा। अब ये तो फ्रीक्वेंसी की स्टोरी है, अब जरा वेवलेंथ की बात करें। मान लो इसी स्टार की लाइट की वेवलेंथ भी 10 थी, मान लो जब स्टार हमारे पास आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो वेव जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है, मान लो 8 हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि माइनस 2। मेरे कहने का मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या वेवलेंथ कम हो रही है तो स्टार हमें अप्रोच कर रहा है, ठीक हो गया। स्टार दोनों केस का मतलब क्या है, स्टार हमारे पास आ रहा है तो आपको जो व्हाइट लाइट है, देखो साउंड में तो आप सुन सकते हो लाइट की फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, क्लियरनेस चेंज हो गई, लाइट में क्या चेंज हुआ, लाइट का कलर चेंज हो गया, तो जो लाइट का कलर है वो व्हाइट की जगह ब्लू अपीयर होगा आपको, इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट का मतलब कि आपका लैम्डा चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, और कब, जब स्टार आपके पास आ रहा है, डेल्टा न्यू पॉजिटिव हो गया, डेल्टा लैम्डा नेगेटिव हो गया, और कलर लाइट का ब्लू हो गया। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। नेक्स्ट मैंने कहा ये केस क्लियर है, दोनों केस क्लियर, इसका मतलब स्टार आपको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो आपको पता कैसे लगेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी जब चेंज होती है लाइट की उसका कलर चेंज होता है। हाँ। लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई मान रहे हो, स्टार मेरे पास आ रहा है, और जब भी लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है मैं बता रहा हूं, तो पता कैसे लगता है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, उसका रंग चेंज हो जाएगा। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि कलर ऑफ लाइट चेंज होना शुरू हो गया, व्हाइट की जगह कलर क्या अपीयर होना शुरू हो गया, ब्लू, तो ब्लू कलर की लाइट ये इंडिकेट करती है कि स्टार हमारे पास आए। और अगर उल्टा, अगर डेल्टा न्यू नेगेटिव हो जाए, फ्रीक्वेंसी यानी कि कम हो रही है, या फिर डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव हो जाए, दोनों केस में स्टार हमसे दूर जा रहा है, और जब स्टार दूर जाएगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो कलर लाइट का कैसा ऑब्जर्व होता है, रेड कलर की लाइट, रेड कलर की लाइट ये इंडिकेट करती है कि सोर्स दूर जा रहा है, ठीक। यूनिवर्स के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया, जब यूनिवर्स स्टडी करते हैं ज्यादातर जो स्टार्स जो देखे गए हैं वो रेड कलर के देखे गए हैं, रेड कलर जो ये शो करता है यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहे हैं, ये बड़े वो है ना, एक थ्योरी है, यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। वो पता कैसे लगा किसी को, कलर से पता लगा, ठीक हो गया। और रडार का सिस्टम समझ आ गया होगा, रडार सिस्टम कैसे काम करता है, साउंड में वो साउंड की एपरेंट न्यू डैश कैलकुलेट कर लेता है। मान लो जैसे आप रेस्ट पे हो और वीएस से कोई सोर्स आ रहा है, तो आप क्या करोगे, न्यू डैश इज वी अपॉन वी माइनस ये फॉर्मूला, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो कैलकुलेट कर लिया जाता है कि इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी से व्हीकल पास करेगा, और अगर ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी ऑफ वी पता ही है साउंड का, तो वीएस कैन बी कैलकुलेट, वो मशीन अपने आप कैलकुलेट कर लेती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग की वीएस की क्या वैल्यू आई, तो वो आपको स्पीड एग्जैक्ट बता देंगे, जैसे उसने दिखाया था एक वीडियो में, एकदम पता लग गया एकदम उसकी आवाज से इसकी स्पीड। Scientists believe that our universe is expanding. That belief is based on an interesting property of light waves called the Doppler effect. Here's how it works. All waves travel outward from a source. A stone dropped in a pond, for instance,
will produce waves that move out in a circular pattern from the splash. Light works the same way. When a camera flashes, light waves move out from the flashbulb. When the source of a wave is stationary, the waves can be thought to form circles radiating out from the source. But when the source is moving, something very interesting happens. The waves ahead of the moving source are bunched closer together. The waves trailing behind the moving source are spread out. We hear this effect when a moving car blows its horn as it passes us. We hear a high-pitched sound as the car approaches us because the motion of the car bunches the sound waves closer together. When the car passes us, we hear a distinct drop in pitch because the sound waves are now spread out by the car. Light waves show a similar shift. If a source of light, like a star or a galaxy, is moving toward us, the light waves are bunched together, and we see the light with a slight bluish tint. If the star or galaxy is moving away from us, the waves are stretched out, and we see a reddish shift in the color. Because all galaxies show a red shift in the color of their light, this is evidence that they're moving away from one another. So the red shift is evidence that our universe is expanding. Most scientists believe that our universe is expanding.
man is watching two trains, one leaving and other coming with equal speed of 4 meters per second. Okay, kya given hai? U of S given hai. Okay? So, uski speed given hai. The sound whistles, each of frequency, ye actual frequency given hai. So, sabse pehli cheez, ki agar ek vehicle aa raha hai, US observer khada hua hai, pehle aa raha hai aur fir ja raha hai. Pehle first case karte hain. Pehle case mein usko kitni frequency sunai degi? Nu dash, which will be equal to V upon V minus US into nu naught. ठीक हो गया यहां तक. और जब व्हीकल क्रॉस कर गया इसे तो कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? V अपॉन V प्लस US इंटू न्यू नॉट. ये भी क्लियर है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना जब चला गया. तो न्यू डैश इज इक्वल टू V, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है? 320 थी इसमें, 320 ले लो, 320 माइनस 4 और न्यू नॉट कितना था? 240 निकाल लोगे. न्यू डबल डैश निकाल लो, 320 प्लस 4 240 इंटू 240. ठीक, तो यहां से किसकी वैल्यू होगी? न्यू बीट्स क्या होती हैं? बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी को माइनस. एक सार है, जी आंसर क्लियर है. यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बीट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट पक्का है. दो कॉन्सेप्ट चेक होते हैं ना इसे कॉम्पिटिशन में. ठीक है ना यहां तक? वेलोसिटी गिवन है, क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है. वेलोसिटी इज न्यू इनटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज वी डिवाइडेड बाय लैम्डा. वी गिवन है कितना? 330. अगर आप लैम्डा बता दो, आंसर लैम्डा के लिए क्या करना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस ऑफ 40 इज इक्वल इनटू फेज डिफरेंस ऑफ, इसे लैम्डा निकलेगा. कैसे? देखिए, याद तो क्लियर है जो मैंने लिखा हुआ, तो मैं लैम्डा निकाल के दिखाऊं इसमें. ठीक है ना? तो लैम्डा देखो कैसे निकलेगा. पाथ डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर का मतलब 0.40 मीटर. फेज डिफरेंस कितने है?
1.65. मैंने ना पार डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन बताया था, एक बार क्या था बताया था मैंने, जिनको याद नहीं अभी याद आ जाएगा, मैंने ऐसे करवाया था, मैंने याद करने को नहीं कहा था, मैंने ऐसे कहा था कि आप इसमें सपोज इमेजिन कर लो कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्ब्डा है, वेव का डिस्टेंस लैम्ब्डा है, तो एंगल वेव कितना कवर कर लेगी, याद है 2π, अगर 1 है तो एंगल कितना कवर होगा, और अगर x डिस्टेंस है जिसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं वेव का, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, एंगल कितना होगा, 2π लैम्ब्डा इनटू, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया था, फाइव से। तो मैंने एक फॉर्मूला करवाया था कि फेज डिफरेंस यानी कि फाइव इज 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस मीन एक्स, ठीक है ना, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस, क्लियर है यहां तक, आगे आंसर करना ही कुछ नहीं है इसमें। अब पाथ डिफरेंस आपको कितना गिवन है, 1.65 इज 2π/λ इनटू 0.40, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और आप पीछे पुट कर देना v इज न्यू लैम्डा में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्लियर है, जरूरत पड़ सकती है फेज डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस में, पार्ट डिफरेंस को